ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। तब तो प्रभु मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परंतु इन सभी के लिए तुम केवल एक दास हो, ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भैया, परंतु अपनी मां की आज्ञा अवश्य मानेंगे। राधा, विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, मेरी माँ उचित ही कहती है। क्या कहती है तुम्हारी माँ? यही कि अंत समय वनप्रास में बिताना ही श्रेष्ठ होता है। अब आपके पुत्रों को संभालने वाली सुंदरी आ गई है दीदी माँ, अब ये आपका सुझाव कहाँ मानेंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप वन में या पिताजी के आश्रम में जाकर तपस्या करें। गरुड़ ये क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? मैं तपस्या करने चली जाऊं ताकि ये देवता मेरे पुत्र को मूर्ख बना सके। राहु, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। अच्छा, तो ये अप्सराएं षड्यंत्र है मेरे पुत्रों के विरोध। लगता है तीर निशाने पे लग गया। लगता है गरुड़ की योजना सफल हो रही है। पुत्रों, कोई भी इन अप्सराओं के निकट नहीं जाएगा। देवता को लेने दो इन्हें, यह आदेश है मेरा। बागर, तुमने बिना कुछ किए ही अप्सराओं का निर्णय देवताओं की ओर करवा दिया। ये अद्भुत प्रकाश, ये मंद मंद चलने वाली पवन और प्रकृति में ये सुंदर बदलाव, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सभी संकेतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब आएगा वो अमृत। और में मिलने आना विंता, कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। पापा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और आज मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है?
हे प्रभु, हे नारायण, मेरे साथ रहिएगा। कल्याण, तुम मुझे एक साधारण असहाय दीनहीन बूढ़ा रोगी समझकर अपने घर लाई थी, पर मैं वही दत्तात्रेय हूं जिसने अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, मछली, हाथी, कुवारी कन्या, बालक, कुरर पक्षी, बांध बनाने वाले, मधुमक्खी, सर्प, मकड़ी और ब्रिंगी कीट जैसे 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर अपना ज्ञान अर्जित किया है, और अब मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूं। मैंने तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए परखने चला आया। तूने मुझे तनिक भी निराश नहीं किया, पूरे मनोयोग से बिना किसी स्वार्थ के जिस तरह तूने मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं विंता। इसलिए अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, मन में जो इच्छा है मांग ले। तो जैसे साधारण दासी को आपने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया, बिना मांगे सब कुछ मिल गया है मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से तो की ही, किंतु अब मेरे दर्शन पाने के बाद भी तेरे मन में लोभ नहीं जागा, तेरे मस्तिष्क में किसी अभिलाषा का विचार तक नहीं आया, और इसलिए अब मैं तेरी झोली में वो सब डाल पूरी तरह सुपात्र होने के पश्चात भी जिसके लिए तू वर्षों तक तरसी है। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कहने का अर्थ है आज से मेरा पुत्र और मैं मुक्त हो जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार एक काली घनी लंबी रात्रि के पश्चात सर्वप्रथम आकाश में तुम्हारे पुत्र अरुण की लालिमा छाती है और उसके बाद ही धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा अच्छा समय आरंभ हो गया विंता, और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। कल्याण, बाबा के आशीर्वाद के प्रयास में इतना श्रम करना पड़ेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। दीदी, 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 धीरे बोल। पहले से मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है, क्या हुआ है,
क्यों आई है तू यहाँ? दीदी वो बाबा वो कोई साधारण बाबा नहीं है, वो भगवान दत्तात्रेय है दीदी। ये सत्य है दीदी, हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दर्शन मिली थी भगवान ने, न जाने क्यों ये खुशबू मुझे अमृत की नहीं लग रही, ये सुगंध तो माता लक्ष्मी के आंचल की है। सही पहचाना करो, तो क्या अब मां लक्ष्मी प्रकट होने वाली है? मन तो मेरा भी यही कह रहा है भैया, परंतु सटीक अनुमान लगाना भी तो संभव नहीं है। प्रभु आपको क्या लग? हमारे इस विरह की अवधि हमारी पुनर्मिलन की प्रतीक्षा समझकर बिताइएगा। अभी हमें जाना होगा प्रभु।
आठ दल वाला कमल, इस पर तो माता लक्ष्मी विराजती है ना? आगर और देखो उस कमल के आगे दो हाथी भी चल रहे हैं। वो देखिए ऊपर आकाश में। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू। माँ के आगमन के सभी संकेत स्पष्ट हो चुके हैं प्रभु, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अपनी आंखें खोलिए प्रभु, माँ का साक्षात्कार कीजिए। ये संभव नहीं है शेष। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आप इतने व्याकुल थे और अब जब वो पल आ गया तो आप आंखें खोलकर उन्हें क्यों नहीं देख रहे? मैं इतना प्रसन्न, इतना उत्साहित हूं कि मुझे भय लग रहा है गर्व कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण ही ना रख पाऊं। सैकड़ों बार इस पुनर्मिलन के क्षण की कल्पना की है मैंने, किंतु मैं भी नहीं जानता कि जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे देखेंगी वो मुझे, किस नाम से पुकारेंगी। बस यही सोचकर मेरे हृदय की गति बढ़ती जा रही। लक्ष्मी सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममय, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। इतने समय के बाद भी केवल लक्ष्मी ही है जो मुझे इस तरह चौंका सकती है। कलि कल्मश नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते, मंगल दायनी अंबुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। माता लक्ष्मी शिशु रूप में वापस आई है। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते। देवी अदिति, देवी दिति, देखिए माँ के शिशु चरणों में सभी शुभ चिन्ह विद्यमान है। कामिनी धर लक्ष्मी परिपालय मां। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमय, रद गज तुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते। हरिहर ब्रह्म सुपूजित से
सेवित ताप निवारिणी पद युते। जय जय है मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। अद्भुत लक्ष्मी, अद्भुत है आपकी लीला। प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, माता लक्ष्मी ने शिशु रूप में दर्शन क्यों दिए? क्योंकि ये भी हमारा ही बनाया नियम है। तुम तो जानते हो गर्व कि आत्मा अजर अमर होती, ना उसका जन्म होता और ना ही मरण। आत्मा जब एक नए तन को धारण करती है तो उसकी नई यात्रा का आरंभ बाल्यावस्था से ही होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी ने समुद्र देव के पुत्री के रूप में अपनी नई यात्रा का आरंभ बाल रूप से ही किया। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि स्वयं मां लक्ष्मी मेरी पुत्री बनी। हमें भी अपने इस सखी के दिव्य रूप के दर्शन करने हैं। माँ ने इस रूप में आकर चमत्कार कर दिया प्रभु। इनके कारण माँ पार्वती और माँ सरस्वती के दर्शन भी हो गए और यहाँ का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया। वो देखो गुरु, ऋषिगण भी आ गए हैं। अब आप अपने मूल स्वरूप में आने की कृपा करें। ऐसा तेज सिर्फ लक्ष्मी के आगमन पर ही हो सकता है। इस क्षण की प्रतीक्षा में हर पहर युगों की तरह बीतता है। नारायण नारायण, इसीलिए तो ये जोड़ी सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी कहलाती है। मां की लीला में
प्रभु कब भागीदार बन गए पता ही नहीं चला। नारायण नारायण। भैया, नारद मुनि ने बिल्कुल सत्य कहा। जब से मैं वैकुंठ आया हूँ, मुझे यही लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। आज इन दोनों को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अब समझ आया कि वो कमी किस बात की थी। माँ के दर्शन मैंने पहले भी किए थे, पर तब वो उदासी थी। मुस्कुराते तो प्रभु भी थे, परंतु इनकी मुस्कुराहट की चमक इनकी आंखों में नहीं दिखती थी। और आज भले ही प्रभु और माँ लक्ष्मी मिल नहीं पाए, परंतु इनके एक साथ एक स्थान पर होने से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे सारे संसार की प्रसन्नता लौट आई है। माँ लक्ष्मी की जय। 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 माँ, जब आपने ये पूरी लीला रची ही है, हम सबको इसका भागीदार बनाया ही है, तो अब हमें आप इसका पूर्ण आनंद लेने दीजिए। क्या चाहते हैं आप सब? हम सब आपका अभिषेक करना चाहते हैं माँ। अभिषेक? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ऐसा अवसर कई वर्षों में एक बार ही आता है देवी। आज्ञा दे दीजिए। भक्तों की इच्छा तो मां ने सदैव ही पूर्ण की है। मुझे विश्वास है आज भी आप इन्हें निराश नहीं करेंगे। ये मेरी माँ के सुकर्मों का ही फल है कि मैं इतने सौभाग्यशाली क्षणों का साक्षी बन पा रहा हूँ। बस माँ और विमाता भी यहाँ उपस्थित होते तो उन्हें भी नारायण और लक्ष्मी माँ के मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता। क्यों, क्यों, क्यों? क्यों, क्यों? मेरे साथ सदा क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्यों सब पक्षपात करते हैं मेरे साथ? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? दर्शन भले ही ना हुए हो, पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो आपको भी मिला है ना? सौभाग्य? जो मुझे मिला है दीदी, उसे सौभाग्य कहती है तो सौभाग्य ही सही। तूने क्या मांगा उनसे? हाँ, चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? इस बार तूने क्या वरदान मांगा अपने पुत्र के लिए, बोलना। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं? वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय है मधुसूदन कामिनी। ये देवियां कौन है? ये सभी पवित्र नदियां, गंगा, जमुना,
सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्त युते जय जय मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मा। धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी धुंधुवी नाद सुपूर्णमय घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालया मां। श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तु। कितनी अनजान बन रही है लक्ष्मी, मेरी ओर देख तक नहीं रहे और फिर भी दूर से ही उन्होंने मेरे चरण पखार दिए। भक्त मोक्ष प्रदायिनी श्लो शंख चक्र गदा हस्त विश्व रूपिणी ते जय जगन मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। माता लक्ष्मी पर पत्तों और फूलों की वर्षा। देवी लक्ष्मी नए जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए भूमि देवी ने अर्पित कर रही है। क्या वरदान मांगा तूने उनसे? बोलना। मैं असत्य नहीं कह सकती, पर यदि मैंने दीदी को बता दिया कि मेरे बिना मांगे ही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे और मेरे पुत्र को दासता से मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है तो ये सह नहीं पाएंगी। क्या करूं मैं? मौन रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती तू यहां से नहीं जाएगी। बोल ना विनता, क्या मांगा तूने इस मामा से? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, जो मिला है बिना मांगे ही मिला है। कुछ नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। कुछ नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ बोल रही है ना तू? मैं झूठ नहीं बोलती दीदी, मेरे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त था कि मुझे उनके दर्शन मिल गए। मैं इतनी भावुक हो गई थी कि ना मैं कुछ सोच पाई ना कुछ मांग पाई। पर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तुझसे कमी सही, सेवा तो मैंने भी की थी ना, मुझे कुछ भी दिए बिना कैसे जा सकते हैं वो? उन्होंने दिया है दीदी, भगवान दत्तात्रेय ने आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? माँ कामधेन, अपने पंचगव्य का दान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दी। माता लक्ष्मी के आने की खुशी में ये मेघराज कितना मोहक नृत्य कर रहे हैं। हे माँ, ये समस्त संसार आपके हाथों की कठपुतली ही तो है, आपकी ही कृपा से
सभी देवताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलती है। आप सृष्टि के पालनहार हैं मां, आप तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी आपने मेरी पुत्री बनकर जो मुझे असीम गौरव प्रदान किया है उसके लिए मैं धन्य हो गया मां। वस्त्रों में मां को देखकर ऐसा लग रहा है कि मां प्रभु के रंग में ही रंग गई है। भोग का प्रतीक है मां और यह अभिज्ञान का प्रतीक है, इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। यह कभी न मुरझाने वाली माला है, इसे स्वीकार कीजिए। अपने सेवक बसंत की ओर से यह शहद स्वीकार करें मां। विश्वकर्मा होने के नाते मैं आपके लिए आभूषणों का निर्माण करना चाहता हूं मां, आज्ञा दीजिए। अपनी सखी की ओर से ये मोतियों की माला स्वीकार कीजिए देवी। ये अक्षय कमल है जो कभी नहीं मुरझाएगा, इसे स्वीकार कर इसके अस्तित्व को सार्थक करें देवी। मां, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। कांति संपूर्ण जगत में सदैव व्याप्त रहे, जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़े उसके सभी कष्ट सभी दुख सहज ही मिट जाएं और आपके भक्तों पर समृद्धि की अनंत वर्षा होती रहे, दरिद्रता उन्हें कभी छू भी न पाए। अद्भुत देवी, अद्भुत। सौभाग्य का प्रतीक है ये कुमकुम, इसे स्वीकार करें मां। जय मां लक्ष्मी की, माता 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 लक्ष्मी की। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है माँ, इसलिए मैं कुछ देने नहीं मांगने आया हूँ।
अब प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा का अंत करें। सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम। ऐकलि कल्मष नाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायनि अंबुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनि धन्य लक्ष्मी परिपालय माम। माँ, आपने मुझ पर दृष्टिपात करके बहुत अधिक सुख दिया है मुझे। यहाँ सभी ने आपको कुछ ना कुछ अर्पित किया है, परंतु मैं तो साधारण दास हूँ। मैं आपको क्या अर्पित करूँ माँ, क्या भेंट दूँ मैं आपको? देवी लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न है कि उन्हें अभी किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। गरुड़, जब कोई पिता अपनी पुत्री को इस रूप में देखता है तो कितनी ही भावनाएं एक साथ उभरती हैं। इसकी था पाना भी असंभव है। पुत्री के बड़े हो जाने की प्रसन्नता से पिता का मन मयूर नृत्य कर रहा होता है, पर साथ ही साथ उसके बिछड़ जाने के दुख से भावुक भी हो जाता है। प्रत्येक पिता की एक इच्छा और कर्तव्य भी है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे। इस समय आप भले ही मेरे सामने एक पुत्री के रूप में हैं, पर ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं, संपूर्ण सृष्टि की माता हैं आप। इसलिए आपके योग्य जीवन साथी का चुनाव करने में मैं असमर्थ हूं। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। चुनाव? कैसा चुनाव? इस संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और गरुड़ ने उचित ही कहा है देवी। वैसे तो आपके वल्लभ परम ब्रह्म सृष्टि के पालनहार श्री हरि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना वर चुने। उत्तम सुझाव है देव। पिता,
पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का धर्म भी होता है। स्वयंवर आरंभ करें। जब मां लक्ष्मी प्रभु विष्णु के लिए बनी है तो यह स्वयंवर क्यों? प्रभु आप ये कैसे होने दे सकते हैं? कैसा संदेश बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी, वो कथा मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगी जिस तरह से उन्होंने कही थी। एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि उसके पूरे राज्य में केवल पालक ही उगाई जाएगी, उसी का क्रय विक्रय होगा और सारी प्रजा केवल पालक ही खाएगी, न कोई और अन्न न किसी और प्रकार की तरकारी का पूरे राज्य में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राजा के इस आदेश का उल्लंघन करता तो राजा उसे कोड़ों से पीटने का दंड देता या कभी कभी उसके प्राण ले लेता। फिर एक दिन एक महान साधु इस राज्य में आया और राजा ने उनसे आशीर्वाद पाने के लोभ में उन्हें वो पालक भेंट कर दी। साधु बाबा ने वो पालक राजा के सामने फेंक कर कहा, मैं तेरे भूत भविष्य के कर्मों के बारे में सब जानता हूँ और तेरे इस पालक प्रेम को तुझसे भी अधिक पहचानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था जो अपनी झोपड़ी के पीछे की क्यारी में पालक उगाता था और अपने परिवार का पेट भरने के बाद शेष बची पालक को गांव के सभी लोगों में बांट देता था। किसान के रूप में तूने पुण्य अर्जित किया था जिसके कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला और पिछले जन्म की वो स्मृति आज भी कहीं तेरे भीतर जीवित है। इसके कारण तू ये पालक का वितरण नहीं कर रहा बल्कि इसके लिए कर रहा है क्योंकि अब तू चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है और स्वांग रचने वालों को न तो आशीर्वाद मिलता है ना ही वरदान। पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है। बिल्कुल सही कहा भगवान दत्तात्रेय ने। हाँ तब तक माँ ने गुरु दत्तात्रेय की सेवा आशीर्वाद पाने के लोभ में की थी, वो भी स्वयं भी नहीं की थी, भगवान दत्तात्रेय से छल करके माता विनता से करवाई थी। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तू। भगवान दत्तात्रेय ने माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ तब तो विमाता विनता सही थी, फिर भी माँ ने उन्हें दोषी ठहराया, इसीलिए उनके चेहरे पर ये काला चिन्ह आ गया। अब बहुत हो गया धूमल, माँ को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। प्रभु भला माँ को स्वयंवर की क्या आवश्यकता है? मैंने स्वयं इन्हें विरह की अग्नि में जलते देखा है, हर पल इन्होंने केवल आप ही को प्रेम किया है, तो फिर ये सब क्यों प्रभु? आप दोनों के मिलन में इतना विलंब क्यों? विवाह हर कन्या का स्वप्न होता है गर्व, और आयु के साथ साथ ये स्वप्न भी बड़ा होता जाता है। नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विवाह।
और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है पति के साथ उसका संबंध। अपने पुरुष, अपने प्रेमी के साथ प्रथम भेंट से बहुत पहले से हर युवती उसके स्वप्न देखने लगती है, अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाएं संजोने लगती है। देवी लक्ष्मी भी किसी सामान्य कन्या की तरह अपने स्वप्न पुरुष के साथ अपना जीवन बिताना चाहती। और ये इनका अधिकार, चुनाव का ये अधिकार मैं तो क्या, कोई भी पुरुष किसी स्त्री से छीन नहीं सकता। किंतु हां, इन्हें प्रेम करने के नाते मैं ये आशा कर सकता हूं कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, पर अंत में लक्ष्मी विष्णु को ही चुनेंगे। हे मां, ये कैसी लीला है आपकी? इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अब और विलंब। इस बीच कोई और समस्या उत्पन्न हो गई तो? यदि लक्ष्मी जी ने मुझे वर चुना तो मेरा पद सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी जी के लिए योग्य स्थान स्वर्ग की है, वो मुझे ही चुनेंगी। सभी देवता और असुरों की आंखों में एक कैसी विचित्र इच्छा देख रहा हूं। ये देवराज इंद्र हैं पुत्री, असीमित ऊर्जा की स्रोत, खगोलीय विद्युत्या, भयानक आंधियों के स्वामी। ये वीर अवश्य है पिताजी, पर इनमें असुरक्षा की भावना प्रबल है। ये सूर्यदेव है पुत्री, इनका प्रकाश सारे जगत को जीवन देता है। इनमें प्रकाश तो अवश्य है पिताजी, पर ताप भी असहनीय है। आपने उचित कहा दी। मां की लीला भी अद्भुत है। अब इन सभी के गुण और अवगुण दोनों ही अपने आप सामने आ जाएंगे। नारायण नारायण। कोई भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास तभी कर सकता है जब उन्हें अपने अवगुणों का ज्ञान हो जाए। धन्य है मां, धन्य है आप। मन की भावना गुणों और अवगुणों से परे होती है भैया। प्रभु के बारे में सोचिए, ये सब देखना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनकी प्रिया इनकी आंखों के सामने अन्य सभी में अपना वर खोज रही है, ये पीड़ा को सहन करना और फिर भी मौन रहना प्रभु के लिए सरल नहीं है भैया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि प्रभु में इतना संयम कैसे है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भैया। मन तो यही कहता है कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु जब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये अग्निदेव है पुत्री, प्रकाश और ताप दोनों सूर्य से कम है, किंतु अगर ये चाहें तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये सबको भस्म भी कर सकते हैं। ये वायुदेव हैं पुत्री, ये बहुत चंचल, स्वयं एक स्थान पर टिक कर रह ही नहीं सकते। यदि मैं इनके साथ हमेशा चलती रही तो इस जगत का कल्याण कभी नहीं कर पाऊंगी। इनसे मिलिए पुत्री, ये हैं वरुण देव। इनके व्यक्तित्व में तरलता इतनी अधिक है
कि ये बार बार अपने आकार बदलते और जो स्वयं अपना आकार इतनी बार बदले उनके साथ मैं स्थिर कैसे रह सकती हूँ। ये यमराज है, यमलोक के स्वामी है और कर्तव्यनिष्ठ भी। इनमें दया और करुणा का अभाव है पिताजी। लक्ष्मी इन देवताओं की नहीं हुई अर्थात हम असुरों की होगी। पुत्री इन सभी देवताओं में से कोई भी आपका हृदय नहीं जीत पाया है। आप चाहे तो नागों में से किसी एक का चुनाव कर सकती हैं। मैं अभी उनका प्रबंध कर सकता हूँ। लक्ष्मी नागों की नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए पिताजी, नाग तो सदैव ही अपनी माता से भयभीत रहे, इतने अधिक भयभीत कि उनके प्रवृत्ति से भय निकालना असंभव है। और जो स्वयं इतने भयभीत है उनके साथ में सुरक्षित होने का आभास कैसे कर सकती हूँ। बहुत अभिमान है ना कुत्रु को अपने पुत्रों पर। यदि वो ये सुन लेती तो कितना आनंद आता। उसे होना चाहिए था यहाँ। पता नहीं क्या कर रही है वो पृथ्वी पर। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं। ये आप क्या कर रही हैं माँ? संभालिए स्वयं को। ऐसे दुखी होने से क्या होगा माँ? यदि आप मन ही मन घुटती रहेंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? आप बात बताइए माँ। फिर से वही सब हो रहा है तक्षकालिया। एक बार फिर से मेरे साथ अन्याय हो रहा और अब ये मैं सह नहीं सकती, नहीं सह सकती। कितनी प्रसन्न है वो आज। अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। इसकी पहले की बहुत देर हो जाए। मुझे जानना होगा कि वो भेद क्या है। इस बार इस दौर उसने मुझसे कोई भी चालाकी की तो उसकी ऐसी दशा करूंगी कि प्रभु नारायण भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये आपके मुंह पे काले धब्बे कैसे आ गए? दत्तात्रेय का वचन तो सत्य हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था तक तो हमारी माँ के आंखों में आंसू है और विंता माँ के स्वर में सुख। हाँ, इसका अर्थ तो यह है कि विंता माँ और गरुड़ शीघ्र ही दासता से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मी माँ तो सभी में कोई ना कोई अवगुण खोज रही है। ये तो स्वाभाविक है शेष। जो सर्वगुण संपन्न वो किसी अवगुण से युक्त पुरुष के साथ जीवन निर्वाह कैसे कर सकती।
पर इनकी यही विशेषता मुझे भयभीत भी कर रही है। यदि इन्होंने मुझ में ही कोई अवगुण खोज निकाला तो